गुड मॉर्निंग। सो अब हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर 6 से प्लीज। ओके सो स्टोरी पढ़ेंगे। ये क्या है कि प्लीज़, थैंक यू, मे आई, हमें कहना चाहिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टाउन कॉल्ड रूड। एक बार की बात है कि एक टाउन था जहाँ, उस टाउन का नाम क्या था? रूड था, क्योंकि पीपल पुश्ड एंड हिट, दे वर फर फ्रॉम गुड। मतलब वहाँ के जो पीपल थे वो एक दूसरे को धक्का दे के मारते थे, एक दूसरे को धक्का देते थे, बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, तो इसलिए उस टाउन का नाम क्या हो गया? रूड हो गया। ठीक है, वो लोग अच्छाई से बहुत दूर थे। दे शाउटेड एंड येल्ड एंड हैड देयर वे। वो लोग एक दूसरे पे चिल्लाते थे, एक दूसरे को मारते थे, धक्का देते थे। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के टाउन का नाम रूड पड़ा। नेवर अ सॉफ्ट वर्ड डिड एनीवन से। द पीपल सेड दे वर हैप्पी टू बी बैड, टू बी पोलाइट वुड मेक दैम सैड। क्या बोल रहा है? नेवर अ सॉफ्ट वर्ड, यानी कि वो कभी भी सॉफ्ट वर्ड नहीं बोलते थे, है ना। और अगर वो किसी से सॉफ्टली बिहेव करते थे तो अगर कोई किसी से वो अच्छा बात कर लेते थे तो उन्हें दुखी होता था, मतलब वो खुश नहीं होते थे, है ना। जब मतलब बैड बात करते थे, मतलब गंदे से बात करते थे, तो उनको खुशी मिलती थी, है ना। और अगर जब वो पोलाइटली बिहेव करते थे तो उनको सैड, मतलब उनको सैड जैसे फीलिंग आती थी। टू फाइंड अ रूड किंग दे हैड अ रेस, दे शाउटेड एंड हिट ईच अदर फेस। द किंग दे फाउंड वॉज द रूडेस्ट ऑफ ऑल, ही हिट द बिग एंड ही हिट द स्मॉल। क्या होता है, जो एक बार ये लोग क्या करते हैं, रूड किंग, यानी ये लोग फाइंड करते हैं उसमें से रूड किंग कौन है। ठीक है, सारे पीपल्स में उसी में वो लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? वो लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, मारते हैं, एक दूसरे के फेस पे मारते हैं। ठीक है, द किंग दे फाउंड वॉज द रूडेस्ट ऑफ ऑल। उसी में वो पता करते हैं कि इन सारे पीपल में कौन सा किंग है जो रूडेस्ट है। ही हिट द बिग एंड हिट द स्मॉल। ठीक है, यानी वो लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं। सून द टाउन गॉट टायर्ड ऑफ द किंग। जो टाउन के पीपल होते हैं, वो एक किंग रहता है और टाउन के जो पीपल होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं। लेकिन जो जितने टाउन के लोग रहते हैं, जितने भी टाउन के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस राजा को मारते मारते थक जाते हैं, बट राजा नहीं थकता है। तो उन लोगों को समझ जाता है, बीइंग पुश्ड एंड हिट इज़ नॉट अ नाइस थिंग, बीइंग पोलाइट इज़ नाइस एंड बीइंग काइंड टू। सो दे बिगिन टू से मे आई प्लीज एंड थैंक यू। तब उन्हें समझ में आता है, जब टाउन के लोग राजा को मारते हैं, राजा उनको मारता है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं, तो सारे टाउन के लोग देखो थक जाते हैं, थके हुए हैं ना ये लोग। तो इन लोगों को समझ में आता है कि हमें पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, पोलाइट बनना चाहिए, है ना। तब उससे वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे और मारेंगे भी नहीं, कभी भी हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, और हम लोग सबसे पोलाइटली बिहेव करेंगे, और दयालुपन यानी विनम्रता से बात करेंगे और दयालु से बात करेंगे। और ये बात ज़रूर हम कहेंगे, मे आई प्लीज़, इन वर्ड का यूज़ वो ज़रूर करेंगे। मे आई मतलब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है इट इज़ अ प्लीज़, इट इज़ प्लीज़, है ना। तो इट इज़ अ सिक्स लेटर वर्ड दैट शुड दैट साउंड्स लाइक प्लीज़। ये जो हम लोग बोलते हैं प्लीज़, तो इस तरीके से साउंड कैसे निकलता है, प्लीज़, जैसे जो मटर के हम लोग प्लीज़ बोलते हैं उस तरीके से। इट इज़ अ वर्ड दैट राइम्स विथ नी। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम बोलने पर हमें प्लीज़ जैसे आता है, प्लीज़। और ये एक ऐसा वर्ड है जो राइम्स वर्ड, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना नीस, और ये एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाता है। इट इज़ अ वर्ड दैट गेट्स यू थैंक यू बाय, यानी ये एक ऐसा वर्ड है जिसको थैंक्स भी बोलते हैं। गेस व्हाट इज द वर्ड। अब ये वर्ड को गेस करना है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, डैड मे आई गो एंड प्ले, क्या मैं बाहर जाऊँ खेलने, पूछ रहा है ना। तो बोलता है डैड मे आई गो एंड प्ले, तो पापा क्या बोलते हैं, श्योर। तो बेटा क्या बोलता है, थैंक यू डैड, है ना। ये सब
अच्छे वर्ड हैं, इन्हें यूज़ करना चाहिए। लर्न पार्ट आप ज़रूर लर्न करिएगा। लर्न पार्ट क्या है? इट इज़ अ नाइस टू टॉक पोलाइटली, हमें हमेशा पोलाइटली टॉक बात करना चाहिए। सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू आर वेज टू बी पोलाइट, पोलाइट पर्सन के साथ ये वर्ड जरूर यूज़ करना चाहिए। एवरी वन लाइक्स अ पोलाइट पर्सन, हर लोग पोलाइट पर्सन को ही पसंद करते हैं, ठीक है, रूड को पसंद नहीं करते हैं। रूड मीन्स बैड मैनर, ये लर्न कर लीजिएगा। रूड मीन्स बैड मैनर और पोलाइट मीन्स वेल मैनर। ओके, इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिएगा और अच्छे से लर्न पार्ट लर्न करिएगा एंड वर्ड मीनिंग लर्न करिएगा। सो इसके एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ओके, और सारे आपके 6 चैप्टर तक ही आपके सिलेबस हैं जो हाइपरली एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लर्न पार्ट ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, चैप्टर का वर्ड मीनिंग और जितने एक्सरसाइज मैंने कराए हैं वो। ओके,